शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी? श्रद्धा, श्रद्धा इस तरह यहाँ पर? श्रद्धा बेटा आओ, अंदर आओ। आओ बेटा, आओ अंदर आओ। श्रद्धा क्या हुआ बेटा? श्रद्धा, श्रद्धा क्या हुआ? श्रद्धा तुम ऐसे अचानक यहाँ इस हालत में, तुम ये सामान के साथ यहाँ पर? घर में सब ठीक है ना श्रद्धा? यशवी जी, श्रद्धा बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, हाथ मुंह धो लो और आराम करो। यशवी जी, बेटी इतने दिनों के बाद घर आई है, कुछ नाश्ते वाश्ते का इंतजाम कीजिए ना, फिर हम तीनों लोग बैठकर आराम से बातें करेंगे। क्यों बेटा? जाओ बेटा अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारा सामान पहुंचा देता हूं। नहीं अश्विन जी, जल्दबाजी नहीं कर सकते, पहले वो आराम कर ले फिर बात करते हैं हम लोग। श्रद्धा समझदार है, कोई बहुत बड़ी बात हुई है वरना इन हालात में वो यहाँ कभी नहीं आती। उसकी यही हालत तो नहीं देखी जा रही सचिन जी, इसीलिए एक के बाद एक सवाल मुंह से निकलते जा रहे थे। माता रानी मेरी बच्ची की रक्षा कर, पता नहीं वहां क्या हुआ होगा। अरे तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुमने क्या किया है? अरे सब कहते हैं कि श्रद्धा जैसी सुशील बहू बहुत किस्मत वालों को मिलती है और तूने उसे बदनाम कर दिया। अरे अपनी गंदगी उस पे डाल दी। अरे जरा भी शर्म नहीं आई तुझे? अरे आज तक तूने जो भी मांगा हमने सब कुछ तुम्हें दिया। अरे अपनी हैसियत से भी बढ़ के चीजें दी, तो फिर ऐसे संस्कार तुझे कहां मिले? जहां झूठ बोलते हैं, अरे अपने ही भाई का घर तोड़ते हैं, अरे अपने माँ बाप का सर शर्म से नीचा कर देते हैं। अरे कहां सीखा तूने ये सब बता? बस कीजिए भाभी, ऐसे आरती पर हाथ उठाने से समस्या हल नहीं हो जाएगी। आखिरकार इस घर में झूठ और फरेब का पाठ भी इसने यहीं से सीखा है। और जिसके साथ मिलकर सीखा है उससे अभी सवाल जवाब करना बाकी है। तूने सबको ये कहा कि तू डॉक्टर के पास जा रही है और तू वहां उस लफंगे से मिलने चली गई। भाभी अगर किसी पर हाथ उठाना ही है तो इस एहसान फरामोश पर उठाइए।
ना सिर्फ ये आरती के बारे में सब कुछ जानती थी, हमें तो लग रहा है आरती को भड़काने का काम भी इसी का था। नहीं नहीं बुआ जी, हमने कुछ नहीं किया, हमें तो जो आरती ने बोला हमने बस वही किया। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं, आरती ने तो हमारा भी भरोसा तोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत खूब दोस्ती निभा रही हो तुम सोनिया, तुम्हें तो हमेशा से सब कुछ पता था ना, तुम्हें तो मेरी मदद करती थी कि कुनाल से जाकर मिलो ये करो, और अब सबके सामने क्यों झूठ बोल रही हो, जब सच्चाई सामने आ गई तो पलट गई तुम। आरती ये क्या कर रही है, तुम क्या बोल रही है, आज तुम खुद पकड़ी गई है, तुम श्रद्धा के साथ साथ मुझे भी फंसाना चाहती है। आंटी जी यही होता है अपने पराए का फर्क, मैं इस परिवार की बेटी नहीं हूं तो मुझे पता था कि कोई मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेगा, पर मैंने तो इस परिवार को हमेशा से ही अपना परिवार माना है और श्रद्धा को भी, तो मैं क्यों उसका बुरा चाहूंगी। सोनिया एक बात कहे तुमसे, तुम ना बहुत एक गंदा रोती हो, चुप हो जाओ वरना दो लगाएंगे हम खींच कर। तुम्हारी सारी करतूतें हमें बहुत अच्छे से पता है, तो ये नौटंकी ना हमारे सामने नहीं चलेगी। ठीक है बुआ जी, आप लोग का ऐसा बर्ताव सहने से तो अच्छा है कि हम चले ही जाते। बिल्कुल सही कहा तुम, और ध्यान रहे तुम्हारी एक भी चीज यहाँ नहीं छूटनी चाहिए। हाँ अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। बुआ जी हम अकेली लड़की कहाँ जाएंगे, पापा ने तो हमें आप लोगों के भरोसे भेजा था, हमारी पढ़ाई का क्या, बुआ जी हम क्या जवाब देंगे पापा को। तो तुम अपने पापा से अब ये कह देना सोनिया कि तुम पढ़ाई तो दूर, अब तुम पढ़ाने लगी हो। हाँ तनुजा जी शांत हो जाइए, सोनिया भाई साहब के दोस्त की बेटी है, यहीं पली बड़ी है, कहां जाएगी, जब अपने सिक्का खोटा हो तो दूसरों को दोष क्यों देना। जिस तरह इसने श्रद्धा पर इल्जाम लगाया है उसी तरह सोनिया पर भी लगा सकती है। सारी गलती ना मेरी ही है, ये सब होना ही चाहिए मेरे साथ में, क्योंकि जो मैंने श्रद्धा भाभी के साथ किया मैं इन्हीं सब चीजों के लायक हूँ। बहुत बुरी हूँ मैं, बहुत ज्यादा बुरी हूँ मैं। भैया भाभी बिल्कुल सही कह रही है, बाहर वाली को बाहर ही रखिए, क्या पता कब किसको डस ले ये। और हमने तो फैसला ले लिया कि अब सोनिया इस घर में बिल्कुल नहीं रहेगी, बस। सोनिया तुम नीचे जाके बैठो, हम तुम्हें बाद में बताते हैं। अरे इसी के शहर पे तुम इतना कूद रही थी ना कल तक, और उसी चक्कर में उस कुनाल के चक्कर में भी फंस गई, तो अब आंखें दिखा के क्या होगा जब सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ बेशर्मी की ना कोई सीमा ही नहीं है, हमारी दीदू की जिंदगी में जहर घोल के आप हमें
फोन कर रहे हैं कीमत। क्या बात हो गई बुआ जी? बेटा जी बात दरअसल ये हुई है ना कि कुणाल की वजह से घर की एक बहू तो घर छोड़कर चली गई, हमें लग रहा है दूसरी भी बहुत ही जल्द रवाना हो जाएगी, क्योंकि तुम जो ये छुप छुप के कुणाल से मिलती हो ना मॉडलिंग शॉडलिंग के चक्कर में, वो बुआ जी हम अभी तक हमने किसी को कुछ नहीं बताया है। आप तो हमारी फेवरेट बुआ जी और आपकी ज्यादा ना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है और हमें ना तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, इस होने वाले बच्चे की चिंता है जिसे तुम जन्म देने वाली हो। वो इस खानदान का चिराग है इसीलिए चुप है हम ना, कब का ना सब कुछ बता देते हैं। देखो कीर्ति, श्रद्धा ने अपने सारे फर्ज पूरे किए लेकिन फिर भी उसकी शादी टूट रही है। तुम सोचो अगर तुम्हारे बारे में सबको सब कुछ पता चल जाएगा तो क्या होगा? अरे तुम्हें तो एक मौका मिला है पिछला किया धरा सब कुछ ठीक करने का, तो अपनी बेवकूफी की वजह से ये मौका मत गवाओ। उस कुणाल से दोबारा नहीं मिलोगे तुम, ठीक है? सच सारा दिन तक छुप कर नहीं रह सकता है और जिस दिन ये झूठ का पर्दा आपके सामने चीरता हुआ आया नाम है उस दिन सबसे ज्यादा अफसोस आपको आपके विश्वास पर होगा। वो लड़का आरती का दोस्त है और आरती को रोकने के लिए मुझे वहां उस लड़के से जाकर मिलना पड़ा। श्रद्धा! मैं मुझे माफ कर दो भैया प्लीज, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं क्या करूं भैया प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं क्या माफ करूं जब मैं खुद को ही माफ नहीं कर पा रहा हूं? यार सही कहते हैं पापा, नालायक हूं मैं, मेरी जिंदगी में जिस इंसान ने मेरी हर मोड़ पे मदद करी मैंने अपनी जिंदगी से उसी को निकाल दिया, क्यों किया श्रद्धा के साथ मैंने ये क्यों किया, क्या कर दिया ये, क्या कर दिया भैया? प्लीज रुक जाइए भैया, मेरी गलती है ये सब मैंने किया भैया, भैया प्लीज शांत हो जाइए, मुझे पता है मेरी गलती है, आप मुझे सजा दीजिए पर प्लीज शांत हो जाइए। ये क्या कर रहा है तू, संभाल अपने आप को, पागल हो गया क्या? हाँ पागल ही हो गया हूँ मैं यार, मुझे मर जा रहे थे। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा, क्या बोल रहा है? दिमाग खराब ही हो गया था मेरा, अपनी जिंदगी में ये बवाल मैं खुद लेकर आया हूँ यार, क्या कर दिया मैंने?
तू शांत हो जा, बैठ इधर बैठ। देख, खुद को कोसना सबसे आसान होता है। अगर तुझे सच में दिल से पछतावा है ना, तो श्रद्धा से माफी मांग, फोन कर उसे, बात कर उसे। ये सब करके कुछ नहीं होगा मेरे भाई, शांत हो जा। अच्छा किया दीदू ने जो अभय पे ना अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और आपके पास आ गई। अरे जंगली है वो अभय, उसकी हरकत ही ऐसी। हम तो पहले से बोलते थे, बदतमीज है एक नंबर का मम्मी वो। तो कुछ अक्कल नहीं, कुछ समझ। क्या हुआ वरुण जी, हम मम्मी से बात कर रहे थे ना। स्वीटू, तुम क्यों उन्हें परेशान कर रही हो? ऑलरेडी दुखी होंगी, और ये कौन सा वक्त है अपनी परेशानी उन्हें बताने का। हम मम्मी को ना सब सही कह रहे थे, आपके भाई ने काम ही ऐसा किया है, तो क्या कहते? स्वीटू, मैं जानता हूं कि अभी से गलती हुई, पर गलतियां तो हम सबसे होती है ना। मुझसे हुई, तुमसे हुई, पर अच्छा आपकी हर बात में ना हमारी दो गलतियां, अगर आप चार पांच बार हमें ना गिनवा दे तो आपकी बात तो पूरी ही नहीं होती। एक काम करिए ना वरुण जी, पोस्टर छपवा लीजिए और पूरे कानपुर में लगवा दीजिए, हमारी बीवी की गलतियां, ठीक है? अरे तुम इतना भड़क क्यों रही हो? हम आराम से भी तो बात कर सकते हैं ना। स्वीटू, ऐसे चिल्लाना ना तुम्हारे लिए अच्छा है और ना हमारे बीवी के लिए। शांत हो जाओ, हमें ने जो किया उस पर तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, लेकिन अभी तुम अपनी बहन के बारे में सोचो। श्रद्धा ने हमारे लिए, इस परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया था कि ये घर ना टूटे, और अब हम उसका परिवार, उसका घर कैसे टूटने दे सकते हैं? बल्कि हमें तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो दोनों फिर से मिल जाएं। क्या बोलती हो? तनुजा जी नमस्ते। नमस्ते अश्मि जी, अभय कल रात से। तनुजा जी रात को अभय आए थे यहाँ पर और श्रद्धा उनको लेकर आपके यहाँ पहुँच ही रही होगी। चलिए चलिए, बहुत सी तैयारियाँ करनी है, हमारी बहू वापस आ रही है घर। हमारी बहू, हमारी लक्ष्मी घर वापस आ गई। नहीं मम्मी जी, कल रात को नशे की हालत में हमारे घर पर बेहोश हो गए थे, तो सिर्फ इंसानियत के नाते हमें घर वापस छोड़ने आए।